हाय दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तीन सवाल, और वो तीन सवाल हैं ये। नंबर एक, क्या आप बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं? नंबर दो, क्या आप हिंदी भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं? नंबर तीन, क्या आप घर बैठे बिना कोई पैसा दिए बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर के बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के कोर्सेज सीखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे वो तीन सवाल। और दोस्तों, मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठते होंगे। और यदि ऐसा है तो आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया एक बहुत ही विशाल दुनिया है, और कंप्यूटर का ज्ञान होना आज के युग में हम सभी के लिए एक बेसिक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि घर से लेकर बाहर, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स आदि सभी जगहों पर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में हम सभी को ज़्यादा नहीं तो कम से कम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब हमें किसी फील्ड की बेसिक जानकारी मिल जाती है तो उस फील्ड में एडवांस लेवल तक पहुंचना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने उन तीन सवालों पर जो हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे। दोस्तों, हमारा हर सवाल हमारी एक समस्या होता है, और इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। और आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और बहुत ही आसान भाषा में कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना कोई पैसा दिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम आपको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारी प्रदान कर सकें। दोस्तों, हमने यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारी को छोटे छोटे कोर्सेज में डिवाइड किया है, और हमारा कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक कोर्स है वो है BCC, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको कंप्यूटर की सभी बेसिक जानकारी दी जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी ना हो, जी हाँ, कोई जानकारी ना होने का मतलब है आपने कभी कंप्यूटर पर काम नहीं किया हो, या कभी कंप्यूटर को चलाया ना हो, यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है ये तक ना आता हो, तो दोस्तों आप इस कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लेने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम अपने सभी कोर्सेज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं, ताकि आपको कोर्स को सीखने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, और हमारे स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। और इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके सामने आ रहे बेल आइकन को दबाना बेहद ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो है हमारा कंप्यूटर का सबसे बेसिक कोर्स BCC, जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। दोस्तों, किसी भी कोर्स को सीखने से पहले हमें उसके कंटेंट यानी सिलेबस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं तो हमें उसे सीखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और हमारा एक्साइटमेंट भी कंटिन्यू बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं कि हमें इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। BCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। नंबर वन, कंप्यूटर का बेसिक परिचय, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस क्या होता है, या कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। नंबर टू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नंबर थ्री, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सीखेंगे विंडोज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, टास्कबार, डेस्कटॉप, आइकन तथा स्टार्ट मेन्यू आदि के बारे में जानकारी, कंप्यूटर में नई फाइल व फोल्डर कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर में फाइल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप पर फाइल या एप्लीकेशन का शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है, टास्कबार के बारे में बेसिक जानकारी, डेस्कटॉप पर फोल्डर कैसे बनाते हैं, डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, डेस्कटॉप पर स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं।
नंबर 4 हिंदी व इंग्लिश की टाइपिंग के बारे में बेसिक जानकारी। नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बेसिक जानकारी, जिसमें हम सीखेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। नंबर 6 प्रिंट निकालना व प्रिंटर के बारे में बेसिक जानकारी। नंबर 7 इंटरनेट के बारे में बेसिक जानकारी। नंबर 8 ईमेल के बारे में बेसिक जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारे BCC कोर्स का सिलेबस। दोस्तों सिलेबस को देखकर आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस बेसिक कोर्स से ही आप कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आज ही ठान लीजिए कि आपको ये कंप्यूटर कोर्स सीखना ही है। दोस्तों ये हमारी एक इंट्रो वीडियो थी, जिसमें हमने आपको बताया कि हम किस तरह से अपनी कंप्यूटर लर्निंग की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने आपको अभी सिर्फ BCC कोर्स के सिलेबस के बारे में बताया है कि कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों कोर्स की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए बेहद यूजफुल भी। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और हमारी इस कंप्यूटर लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारा एक्साइटमेंट भी बना रहेगा। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। हैव अ हैप्पी लाइफ।